हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में। और राजस्थान इतिहास में हम बात करते हैं राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में। और राजस्थान की कला संस्कृति में हम देखते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, जिनसे हर राजस्थान की कंपटीशन एग्जाम्स में लगभग लगभग सभी दुर्ग से, या राजस्थान के जो महल हैं उनसे क्वेश्चन पुटअप होता है। तो चलिए कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं राजस्थान के दुर्गों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो दुर्गों का सर्वप्रथम हमें उल्लेख मिलता है वो मिलता है मनुस्मृति में। तो हम बात करें दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख, दुर्गों का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है मनुस्मृति में। ठीक है दोस्तों, दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है हमें मनुस्मृति में। अब मनुस्मृति में कुल चार प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। चार प्रकार के दुर्ग हम बोल सकते हैं मनुस्मृति या कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दुर्ग है वो मुख्य चार प्रकार के हैं। पहला जो दुर्ग है वो दुर्ग है गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग, देखिए गिरी दुर्ग क्या होता है? जो दुर्ग ऊंचे पहाड़ों या जो पठारों पे बना हुआ होता है वो होता है गिरी दुर्ग, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो गिरी दुर्ग है वो है पहाड़ी या पठारी भागों पर निर्मित है। जो दुर्ग पहाड़ी या पठारी भागों पर निर्मित होते हैं वो कहलाते हैं गिरी दुर्ग। दूसरा जो दुर्ग बताया गया है वो दुर्ग है औदक दुर्ग। औदक दुर्ग, जिस दुर्ग के चारों ओर या चारों ओर खाई हो, जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई होती है वो होता है औदक दुर्ग। तीसरा दुर्ग बताया गया है दोस्तों वो दुर्ग है वन दुर्ग। देखिए वन दुर्ग वो है जिसके चारों ओर वन हो या वनों से आच्छादित क्षेत्र हो, चारों तरफ वन। और जो चौथा दुर्ग है वो है दानवन दुर्ग। दानवन्य दुर्ग, देखिए दानवन्य दुर्ग क्या होता है, इसको हम मरुस्थलीय दुर्ग भी कहते हैं। दानवन्य दुर्ग जो चारों ओर से रेतीले मरुस्थल से घिरा हुआ होता है वो होता है दानवन्य दुर्ग, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो है जैसलमेर का दुर्ग। चारों तरफ है मरुस्थलीय भाग। तो ये तो हो गए मनुस्मृति या कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो दुर्ग हैं, दुर्गों के जो चार प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं कि शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कुछ सातांक सिद्धांत दिए गए हैं। और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है दोस्तों, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग बताया गया है वो बताया गया है गिरी दुर्ग को। गिरी दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब हम बात कर लेते हैं शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कुछ सातांक सिद्धांत बताए गए हैं। शुक्र नीति, आचार्य शुक्र ने शुक्र नीति में राज्य के सात अंग बताए गए हैं। राज्य के सातांग सिद्धांत जिसे हम बोल सकते हैं, देखिए शुक्र नीति में राज्य के जो सात सातांग सिद्धांत बताए गए हैं उनमें है
पहला हम मानते हैं राजा, ठीक है, ये हो गया मुख्य चीज। अब राजा होगा तो उसको और चीजों की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको मंत्री की भी आवश्यकता होगी, मंत्री को कोष की आवश्यकता होगी, कोष होगा तो सेना की भी आवश्यकता होगी, सेना होगी तो द्रुप की भी आवश्यकता होगी, ठीक है, द्रुप होगा तो सोत की आवश्यकता होगी, और एक जो मुख्य अंग है वो है राज्य। राज्य की सात सात अंग सिद्धांत है वो शुक्र नीति में बताए गए हैं, आचार्य शुक्र ने शुक्र नीति में राज्य के सात सात अंग सिद्धांत बताए हैं, वो है राजा, मंत्री, कोष, द्रुक, सेना, स्वत और राज्य। अब इनसे संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। शुक्र नीति के अनुसार कुल 9 प्रकार के द्रुप बताए गए हैं, वो भी हम एक एक करके देख लेते हैं, एक एक की जानकारी लेते हैं। देखिए शुक्र नीति में शुक्र नीति के अनुसार कुल 9 प्रकार के द्रुप बताए गए हैं, शुक्र नीति में कुल 9 प्रकार के द्रुप बताए गए हैं दोस्तों, जिनमें हम बात करते हैं एक एक द्रुप के बारे में। पहले हम बात करते हैं गिरी द्रुप, गिरी द्रुप वो होता है जो पहाड़ी पे निर्मित होता है, जिसकी हमने पहले चर्चा की है। दूसरा बताया गया है दोस्तों, वो बताया गया है दानवन्य द्रुप। फिर है वन द्रुक। देखिए तीनों ही पहले वाले हैं, गिरी द्रुक जो ऊंचे पहाड़ों या पठारों पर निर्मित होते हैं, दानवन्य द्रुक जिनके चारों ओर मरुस्थल होता है, और वन द्रुक जिनके चारों ओर वन होता है। फिर हम बात कर रहे हैं एरन द्रुक। एरन द्रुक क्या होता है, जिस द्रुक के चारों ओर कटीले मारक या झाड़ियां होती है, उस दुर्ग को कहा जाता है एरन दुर्ग। एरन दुर्ग वो होता है जिस दुर्ग के चारों ओर कटीली झाड़ियां होती है, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो है रणथंभौर का दुर्ग, जिसके आगे हम बात करेंगे। फिर है पारिक दुर्ग, एक होता है दोस्तों पारिक, एक होता है पारित। पारिक पारिक जो खय होता है, अर्थात खाई, जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है वो कहलाता है पारिक दुर्ग। चारों ओर खाई, जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है दोस्तों वो कहलाता है पारिक दुर्ग, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है लोहागढ़ भरतपुर में। और पारित दुर्ग क्या होता है, देखिए पारित दुर्ग होता है जिसके चारों ओर लंबी दीवार होती है, लंबी दीवार युक्त। पारित दुर्ग चारों ओर लंबी दीवार युक्त, और पारित दुर्ग चारों ओर जिसके खाई होती है। नेक्स्ट बात करें जल दुर्ग, जल दुर्ग के चारों तरफ, नाम से ही पता चल रहा है चारों तरफ जल युक्त, जिस दुर्ग के चारों ओर जल होता है वो कहलाता है जल दुर्ग।
दो और दुर्ग बच गए जिसमें एक है सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग होता है सैनिक सहायता हेतु उपयुक्त दुर्ग। सैनिक सहायता हेतु उपयुक्त जो दुर्ग होता है वो दोस्तों होता है सैन्य दुर्ग। एक दुर्ग है सहाय दुर्ग। देखिए सहाय दुर्ग वो होता है जो सूरवीरों हेतु प्रयुक्त होता है। सूरवीरों हेतु उपयुक्त। तो ये 9 प्रकार के दुर्ग हैं, वो हमें शुक्र नीति में बताए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ राजस्थान के प्राचीन दुर्गों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं राजस्थान के कुछ प्राचीन दुर्गों के बारे में। देखिए दोस्तों, राजस्थान में या भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत में सर्वाधिक जो दुर्ग हैं भारत में जो सर्वाधिक दुर्ग है दोस्तों वो है महाराष्ट्र में। करें राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ है तो वो तो आपको पता ही होगा, वो है जयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग है दोस्तों जयपुर में। ठीक है, अब हम बात करें राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है। तो राजस्थान का जो सबसे प्राचीन दुर्ग है वो है बठनेर का दुर्ग। जो सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है वो जैसलमेर के पश्चात सर्वाधिक बुर्जों वाला जो दुर्ग है वो भी बठनेर के दुर्ग को माना जाता है। ये एकमात्र या ऐसा किला माना जाता है जो मिट्टी से बना हुआ है। इसके अलावा जो लोहागढ़ है वो भी मिट्टी से बना हुआ है। तो हम बात करें राजस्थान में जो सबसे प्राचीन दुर्ग है वो है राजस्थान में सबसे प्राचीन दुर्ग। तो राजस्थान में सबसे जो प्राचीन दुर्ग है वो है बठनेर का दुर्ग। दोस्तों 1998 ईस्वी में बना हुआ है और ये है हनुमानगढ़ में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें राजस्थान का जो सबसे नवीनतम दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है। सबसे नवीनतम या सबसे नवीन दुर्ग तो वो है लोहागढ़। लोहागढ़ बनाया गया 1733 में और लोहागढ़ है दोस्तों भरतपुर। ठीक है, सबसे प्राचीन दुर्ग हो गया, सबसे नवीन दुर्ग हो गया। और राजस्थान में मिट्टी से बने किले, राजस्थान में मिट्टी से बने या मिट्टी से निर्मित दुर्ग तो वो दुर्ग है दोस्तों बठनेर दुर्ग और दूसरा है लोहागढ़। सबसे प्राचीन है, सबसे नवीन है और ये दोनों दुर्ग ही मिट्टी से बने हुए दुर्ग हैं। देखिए दोस्तों,
लोहागढ़ नाम है, कंफ्यूज हो रहा होगा, फिर भी मिट्टी से बना हुआ है, ये कैसे हो सकता है? ये अजय दुर्ग है, इसको आज तक किसी शासकों ने या बाहरी आक्रमणकारियों ने नहीं जीत पाया, इस कारण से लोहागढ़ कहा जाता है। और ये मिट्टी से बना दुर्ग है, बठनेर और लोहागढ़ का दुर्ग। अब हम बात करें राजस्थान में व्यापारियों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है, तो उसका नाम सुना होगा आपने, चौरासीगढ़ के समीप एक बैंस रोडगढ़ का दुर्ग है चित्तौड़गढ़ में, वो व्यापारियों द्वारा निर्मित है। तो राजस्थान में व्यापारियों द्वारा द्वारा निर्मित जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है? बैंस रोडगढ़। और बैंस रोडगढ़ है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। अब हम बात करें कि राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित एक दुर्ग है जो कर्नल जेम्स टोड द्वारा बनाया गया था ब्यावर के समीप, तो हम बात कर लेते हैं राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग। राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित जो दुर्ग है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है, तो राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा जो निर्मित दुर्ग है वो है टोडगढ़ दुर्ग। टोडगढ़ ठीक है दोस्तों, टोडगढ़ दुर्ग है वो राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग है। और ये टोडगढ़ दुर्ग कहाँ है? ये जो टोडगढ़ दुर्ग है वो है ब्यावर के समीप अजमेर में, ब्यावर अजमेर में, और अजमेर में एक गांव है बोरासवाड़ा गांव में, ठीक है। बोरासवाड़ा गांव में है टोडगढ़ दुर्ग जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है, और इसे किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड द्वारा बनाया गया था टोडगढ़ दुर्ग बोरासखेड़ा गांव में। एक दोस्तों हम महत्वपूर्ण पद्धति की बात करें तो एक जो पद्धति है वो है पासी, पासी देखिए ये पासी क्या होता है? ये जो पासीव है वो दुर्ग के सामने ऊंचे जो चबूतरों का निर्माण कहलाता है वो कहलाता है पासीव, चबूतरों का निर्माण। दुर्ग के सामने ऊंचे जो चबूतरों का निर्माण करवाया जाता है वो कहलाता है पासीव। एक है कागज मुखी, कागज मुखी क्या होता है देखिए, कागज मुखी ये जो कागज मुखी है वो दुर्ग का वह भाग होता है जो आगे से सकड़ा और पीछे से चौड़ा होता है, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो है मेहरानगढ़ दुर्ग। जिस दुर्ग का भाग आगे से सकड़ा वह पीछे से चौड़ा हो, वो कहलाता है कागज मुखी दुर्ग। एक और है नवकोठी, देखिए नवकोठी क्या है, नवकोठी, नवकोठी किसे कहते हैं? तो जो ये नवकोठी है वो है मारवाड़ में निर्मित, मारवाड़ में निर्मित नौ दुर्ग या नौ दुर्गों का समूह है। तो दोस्तों ये हमने बात की राजस्थान के दुर्गों के बारे में, कुछ सामान्य जानकारी के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्गों के बारे में।